पिछले सीजन में आपने मुझे देखा था ना, मगर तब भी कोई मर्द मेरे पास क्यों नहीं आया? मेरी मांग सजाने, मुझे रिझाने, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, पर वो आया था वो चरण, लेकिन उसने मुझे भूखा ही रख दिया। अब सुहागन चुड़ैल के चंगुल से कोई बचेगा तो उसका पूरा खानदान मरेगा। हाँ अब देखिए आगे की कहानी इस सीजन में, लेकिन इसमें जो आएगा उसे डरना मना है। सुहागन चुड़ैल ने मुझे तो मार डाला, यानी अपनी वापसी के तरीके को भी खत्म कर दिया, क्योंकि सालों तक मैं ही जानती थी कि आखिर ये सुहागन चुड़ैल कौन है और कैसे खत्म होगी। इसे खत्म करने के लिए तभी कुर्सी पर उल्टी बैठी चुड़ैल एक चाकू जोर से माया के गर्दन पर दूसरी ओर से निशाना मारती है। ठीक है, तो दूसरी कहानी सुनाती हूँ कि आखिर कौन है ये सुहागन चुड़ैल और ये कैसे बनी। चलो मेरे साथ। और माया आगे आगे चलने लगती है। दोस्तों, कहानी जानने के लिए आप सबको आगे ही चलना होगा, वरना कहानी में आप पीछे छूट जाएंगे। और सामने एक दरवाजा खुलता है और जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं, शैतान माया धक्का मारकर दरवाजा बंद करके भाग जाती है। दूसरी ओर एकदम अंधेरा था, मगर डरना मना है, इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़िए। 150 साल पहले, अंधेरे के उस पार 150 साल पहले की कहानी है, जो कोई पुराना गांव लग रहा था। कहानी एक बहुत पुराने गांव से शुरू होती है। अरे अरे, जल्दी चलो सुरैया, राधा को तैयार करना है, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ चल चल, आज तो माँ ने इतना काम दे दिया था, मैं तो राधा के बारे में भूल ही गई। राधा, मीना और सुरैया तीनों पक्की सहेलियां थी। दोनों राधा के कमरे में पहुंचकर उसे सजाने लगती हैं। पर ये गलत बात है राधा, तूने ही हमेशा कहा था कि हमारी शादी होगी तो साथ होगी, कोई आगे कोई पीछे नहीं कर पाएगा। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकी सखियों। लू शरबत पी लो लड़कियों। हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्ती देखते हुए तो मुझे भी यही लगता था कि एक ही मंडप लगेगा और तीनों एक साथ ही ब्याह ही जाओगी। इसके बाबा और बाकी लोग तो ये भी कहते थे कि कहीं एक ही पति ना लग जाए, उसके नसीब में सुंदर सुंदर दो बीवियां जो होंगी। दो? पर माँ, हम तो तीन हैं। फिर काकी इतनी भी जल्दी क्या थी हमारी राधा की शादी की? आप थोड़ा रुक जाती तो मेरे पापा भी मेरे लिए लड़का देख ही रहे हैं। मैं तो अभी भी कहती हूँ शादी करेंगे तो तीनों एक साथ ही करेंगे। और तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। हाँ हाँ, ठीक है मीना, तेरा तो मैं मान गई कि तू राधा के ब्याह के मुहूर्त पर ही कर लेगी शादी, लेकिन इस सुरैया का, तुम दोनों तो जानते ही हो कि जो भी सुरैया को देखता है रिश्ते के लिए मना कर देता है। माँ चुप करो, बाहर जाओ तुम। सुरैया सुबकने लग जाती है। राधा मीना उसे संभालती है। अब मेरा ब्याह नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ कह भी तो सही रही थी मीना, सुरैया को कोई पसंद ही नहीं करेगा तो कैसे होगी हम दोनों की शादी। सुरैया रोती हुई दौड़कर अपने गांव के कुएं के पास जाकर उसमें झांक कर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट जाता है और वो अपना चेहरा कुएं के पानी में परछाई में देखती है, जो कि आधा जल कर खराब हो गया था। नहीं, बदसूरत है तू। कौन है ये? मैं नहीं हूँ ये। छी, हट जा लड़की, मेरे जीवन से हट जा। सुरैया का आधा चेहरा सड़कर खराब हो रहा था, जिस वजह से अक्सर बच्चे भी उसे देखकर डर जाते थे और उसे शादी करने के लिए कोई भी पसंद नहीं करता था। सुरैया अपनी हिम्मत हार कर कुएं में कूद कर जान देने का फैसला कर लेती है और वो बस कूद जाती है। आसपास घोर सन्नाटा था, कोई जानता तक नहीं था कि सुरैया कुएं में कूद गई। मगर तभी वहां से एक छोटा बच्चा छगन जा रहा था। वो ये नजारा देखकर डर जाता है और घबराकर गांव की ओर भागता है। सुरैया कुएं के गहरे पानी में डूब रही थी, तभी उसके कान में एक धीमी आवाज आती है। सुरैया, सुरैया, सुरैया। आवाज सुनकर अचानक से सुरैया को होश आता है। हाँ, मैं मर गई क्या? इस कुएं में कितना अंधेरा है, मुझे कौन पुकार रहा था? कौन है यहाँ? कौन है? मीना, राधा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है जो मुझे बाहर निकाल सकता है? कोई है? कोई नहीं आएगा, कि
किसी को भी तुम्हारी नहीं पड़ी। सब तुम्हारे इस चेहरे को शाप मानकर उससे दूर भागते हैं। तुम्हारी वो दोनों दोस्त भी, विश्वास नहीं? ठीक है तो देखो नजारा। और वहीं कुएं में एक रोशनी सीधे राधा के कमरे की बातें दिखाती है। पर मीना यार, अगर ये सुरैया का ऐसा रूप देखकर अगर किसी ने भी हाँ नहीं किया तो? हाँ यार, ऐसे तो इसकी एक वजह से हम दोनों ही कुंवारे रह जाएंगे। मीना, इसका एक ही रास्ता है कि हम दोनों साथ शादी करने का वादा करते हैं और सुरैया को इस दोस्ती में शामिल नहीं करते हैं। रोशनी गायब, तमाशा खत्म और सुरैया को मिलता है दोस्त से धोखा। वो रोने लग जाती है। मैं क्यों जिंदा बची? मुझे तो मर जाना चाहिए था, आखिर क्यों? सुरैया फिर से डूबने लगती है। तभी उसकी ओर जोर से एक रोशनी चलती हुई आती है। रोशनी रुक जाती है। सुरैया देखती है तो वो रोशनी एक किताब में से आ रही थी, जिस पर लिखा था मौत के सौदागर। ये क्या है? मैं वो किताब हूँ सुरैया, जो तेरी लिखी तकदीर बदल सकती हूँ। पर तुम मुझे कैसे जानती हो और मुझे ही क्यों चुना? जो इस किताब का असली हकदार होता है, मैं उसी को अपने पास बुलाती हूँ। और तुम मुझे इसलिए छुपा रही हो क्योंकि तुम्हारे हाथों में मौत का रक्त लगा है। मौत की सौदागर तो तुम ही हो। मौत? कैसी मौत? किसकी मौत? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे रात हो गई और कोई आया भी नहीं मुझे बचाने। अरे कोई है? कोई है? बचाओ काका, मामा, भैया, कोई तो बचा लो मुझे। इतनी कमजोर हो तुम, इतने खून करके भी कमजोर, बस कमजोर कि इस छोटी सी जगह से निकलने के लिए तुमको लोगों की मदद की जरूरत है। कितनी बेबस हो। हत्या? किसकी हत्या? सब बकवास है। अच्छा ठीक है, बकवास है, लेकिन एक बार मुझे जोर से पकड़ कर तो देखो, तुमको मैं बकवास नहीं लगूंगी। गांव वालों को छगन ने सब बता दिया था और सब रस्सी बाल्टी वगैरह लेकर सुरैया को बचाने आ रहे थे। सुरैया की माँ मीना, राधा, राधा की माँ छगन, सब दौड़ते हुए दूर से आ रहे थे। सुरैया किताब की बातों में आकर किताब को कसकर थामती है और कुएं के अंदर जोर से रोशनी में से काले रंग का चक्रवात बनता है और सुरैया को उसमें लपेट कर सीधे कुएं के बाहर रख देता है। ये देख सुरैया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे बहुत सख्त हो गए हैं। सब लोग कुएं के पास आते हैं और सुरैया को पुकारने लगते हैं। सुरैया, मेरी दोस्त, मेरी बेटी को बचाओ कुएं तो। सुरैया, सुरैया सब भीड़ के पीछे भीगे बदन के साथ खड़ी थी और उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? कोई खो गया है क्या? सब लोग सुरैया की आवाज सुनकर हैरानी से पलटते हैं। वहां अंधेरे में बस सुरैया की काली आंखें चमक मार रही थी। तू कुएं में गिर गई थी ना बेटा, छगन बता रहा था। ये छगन, इसको गांजा फूकने पर सब कुछ फालतू देखने की आदत हो रही है। मैं कुएं में गिरती तो बाहर थोड़ी ही खड़ी होती। छगन की शिकायत सुनकर छगन की माँ को गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पीटना शुरू कर देती है। सुरैया दीदी, क्यों झूठ बोलकर फंसवा रही हो? मैंने तो आज तक गांजा देखा भी नहीं कि कैसा होता है। माँ, माँ मत मारो। सुरैया पलटकर जाने लगती है। इस लड़की ने तो मेरी नाक ही कटा रखी है। आते जाते लड़कों को गंदे इशारे करके लालच देती है ताकि वो इसके साथ। छी, आज भी किसी की झोपड़ी से मेरे से निकलते। राम 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 राम। सुरैया को जवानी की तड़प तो होने ही लगी थी। अब जरिया शादी का था जिससे वो तड़प निकले, लेकिन कोई उससे शादी करता ही नहीं। सुरैया के बाबा उस पर खूब शर्मिंदा हो रहे थे। दिन में सब आराम कर रहे थे, बाबा भी अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए। सुरैया के लंबे नाखून वाले हाथ उसके बाप की गर्दन दबोच लेते हैं और वो उधर ही मर जाते हैं। बेचारे बाबूजी बच्चलन बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल के दौरे से चले गए। सुरैया को एक लड़का पसंद था और उसे भी सुरैया पसंद थी, लेकिन सिर्फ बिस्तर पर लाने के लिए ही। मगर बिस्तर पर भी वो लड़का कुछ करता, उससे पहले सुरैया को देखकर डर जाता है। भयानक दिखती हो तुम लड़की, तुझे प्यार भी कैसे करूं? मुझे खुद तुझे देख इतना डर लग रहा है। ओ, डर लग रहा है? अब नहीं लगेगा। और सुरैया पास रखे कांच के गमले से लड़के का मुंह कुचल देती है और वो भी मर जाता है। और लोगों को लगा
कि चोरों ने ये हालत कर दी। सुरैया फिर बच निकली। अब ताकत मेरी है, कहानी भी मेरी है। जब सब मेरा है तो अब मेरी बारी आई है कि मैं राज करूं इस दुनिया पर, इस चैनल पर, आप सबके मन पर। क्यों, देखना चाहोगे ना आगे क्या हुआ? तो आना अगले भाग के लिए यहीं हॉरर सिटी पर सुहागन चुड़ैल के नए सीजन को देखने। तब तक के लिए किताब पढ़ोगे क्या? कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर।